दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखे हुए हैं। गिवन ए 12 इज इक्वल टू 37, डी इज इक्वल टू 3, फाइंड ए एंड एस 12। हमें इस क्वेश्चन से दो बातें पता चली कि गिवन में ए 12 जो 37 दिए हुए और डी 3 दिए हुए, और पता क्या करना है, ए पता करना है और अप टू 12 तक टर्म तक सम हमें पता करना है। ये बातें हमें यहाँ समझ में, हमेशा ये देखना है हमें दिया हुआ क्या है और पता क्या करना है, ये फंडा हमें याद रहना चाहिए। तो चलिए गिवन से हमें क्या क्या मिल सकता है। गिवन से हमें ए तो पहला नहीं मिल रहा चूंकि ए पता करना, लेकिन ए 12 का मतलब ये समझ में आ रहा है कि एन हमें कितने मिल गए, 12, डी हमारे पास कितने, 3। ए 12 इज इक्वल टू 37, इसके माने ये हुए कि लास्ट टर्म जो है हमारा 37 है, या एन इसको हम कहते हैं जो 37 है। ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गए। एंड व्हाट इज मिसिंग, द मिसिंग इज ए, सो लेट फाइंड ए। हम ए को फाइंड करने की कोशिश करते हैं और ए के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वेरी नाइस, ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू ए एन। ए तो हमें पता नहीं है, तो फिर करना क्या है, ए को उसी तरह छोड़िए, एन के जगह में हमें क्या लगाना है, 12 माइनस वन। अब इसके बाद में डी के जगह में, वेरी नाइस, डी के जगह में 3 इज इक्वल टू ए एन के जगह में 37। अब हमने वैल्यू पुट कर दिए, अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ए प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37। इसके बाद में ए प्लस 33 इज इक्वल टू 37, उसके बाद फिर ए इज इक्वल टू 37 माइनस 33 एंड देन ए इज इक्वल टू 4। अब हमें ए क्या मिल गए, 4 मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इस ए को सम निकालने में यूज करेंगे, तो हमारे क्वेश्चंस का पहला आंसर जो है वो हमें मिल गया। तो चलिए अब हम अप टू 12 सम निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, लेकिन अगर हमें लास्ट टर्म पता हो तो फिर क्या करना है, हमें एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एल वाला फॉर्मूला हमें यूज कर देना है। तो चलिए देखते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एल, इस एन के जगह में हमें क्या करना है, 12 लगा देना है, इज इक्वल टू, फिर ये एन के जगह में 12 बाई टू ब्रैकेट, ए के जगह में क्या करना है, ए अभी हमने निकाला, क्या निकाला है, 4 को लगा दीजिए, उसके बाद में एल के जगह में 37, वेरी नाइस। अब इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू, उसके बाद में 12 बाई टू है, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 4 प्लस 37 व्हाट वी विल गेट, 41। अब 2 से 12 को कैंसिल करेंगे, 6 मिलेंगे। अब हमारे पास आ गए 6 इंटू 41, देन 41 को 6 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 वन द 6, 6 फोर द 24, 246 जो है हमारे सम हो गए, कहाँ तक के, अप टू 12 टर्म के, अगर हम उस एपी को लिखेंगे और तमाम को अगर जोड़ देंगे तो हमें 246 मिल जाएंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड सम अप टू द 12th टर्म। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।